आज के दिन जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि हमें अपने फ़लस्तीन और कश्मीर के भाइयों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए, जो जुल्म और बर्बरियत ज़ायनिस्ट फोर्सेस इज़राइल में और हिंदुस्तान में कर रही हैं मजालिम, यही अल्लाह ताला से दुआ है कि आलम इस्लाम को इतना मुस्तहकम करें कि इन मजालिम से हम अपने भाइयों और बहनों को छुटकारा दिला सकें। और आज के दिन ये ख़ास दुआ होगी इंशाअल्लाह ताला इसी अज़म के साथ कि हम सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए अपने मुल्क को और मज़ीद मुस्तहकम करें और जो इंतशार फैलाने वाले हैं उनसे होशियार रहें और इंतशार फैलाने वालों को हम अल्लाह ताला की रज़ा से उनकी मदद से नेस्त नाबूद करें, आमीन। सिक्योरिटी के बारे में मैंने इधर जुलूस में आते भी कई मीटिंग्स भी की हैं, मैंने भी मीटिंग्स की हैं और कमिश्नर आईजी साहब के लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल पे इंतज़ामी मीटिंग्स हुई हैं और हद दर्जा सिक्योरिटी के इंतज़ाम देखे गए। इधर भी आके मैंने सब ऑर्गेनाइजर से पूछा है और वो मुतमईन है सिक्योरिटी के हवाले से।